स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन तो ये पहला पार्ट है इंटेक्स्ट क्वेश्चन का आ, इसके अलावा भी दो और इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में तो हर एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वन बाई वन पहला क्वेश्चन है इसमें कि स्टेट मॉडर्न पीरियडिक लॉ मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है तो मॉडर्न पीरियडिक लॉ कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज Of elements are periodic function of their atomic number. इसका इसका मतलब मतलब क्या है? इसका मतलब भी डेफिनेशन में दिया है कि it means कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर अगर एलिमेंट्स को हम इस तरह से अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ एक के बाद एक तो जो प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द एलिमेंट आर रिपीटेड आफ्टर डेफिनेट रेगुलर इंटरवल और पीरियड तो क्या होगा जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो एक डेफिनेट एक निश्चित इंटरवल के बाद वक्त के बाद यानी कि कि जैसे इससे पहले न्यूलैंड का ऑप्टिव था कि एवरी एट्थ एलिमेंट विल रिजेंबल लाइक द फर्स्ट एलिमेंट तो उस तरीके से रेगुलर इंटरवल या रेगुलर पीरियड पे क्या होगा इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो रिपीट होगी ठीक है चलो इसके आगे देखते हैं नेम द साइंटिस्ट हु स्टेटेड द लॉ तो देखो इससे पहले जो आए थे ना हेनरी मोजले से पहले सबने एटॉमिक मास लिया था बेसिस लेकिन इन्होंने क्या लिया था एटॉमिक नंबर क्या नाम है इनका हेनरी मोजले और इनके बाद कौन आया था नील बोर जिन्होंने एक्सटेंडेड फॉर्म दिया था पीरियडिक टेबल का हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स डज मॉडर्न पीरियडिक टेबल हैव अब यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कितने आपके ये ग्रुप्स हैं और पीरियड्स हैं तो आंसर सिर्फ इतना हो जाएगा सिर्फ इतना ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा है कि देयर आर सेवन पीरियड्स जो कि हॉरिजॉन्टल रोज हैं एंड एटीन ग्रुप्स जो कि वर्टिकल कॉलम्स हैं इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल ये रहे आपके पीरियड्स ठीक है और ये रहे वर्टिकली एटीन ग्रुप्स पेरियडिक टेबल क्या होता है ये भी देख लेते हैं यहाँ पे अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स को कैसा अरेंज किया गया है टेबुलर टेबल के फॉर्म में इन ग्रुप्स विच जो की वर्टिकल कॉलम है एंड पीरियड जो की हॉरिजॉन्टल रोज हैं हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड अ पीरियडिक टेबल तो यहां पे आपको पेरियडिक टेबल की डेफिनेशन भी मिल गई अगर वो क्वेश्चन आता है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है सिर्फ जितना पूछा है उतना लिख देना है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आपके लिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वॉट आर हॉरिजोंटल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स इन अ पीरियडिक टेबल नोन एज ये बताने की जरूरत है क्या ये तो रहे हॉरिजोंटल रोज और वर्टिकल कॉलम्स अभी हम लोगों ने देखा तो जो हॉरिजोनटल रोज हैं वो पीरियड्स है और वर्टिकल कॉलम्स क्या है ग्रुप्स है ठीक है चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद आप अगर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी लगेगा इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपने देखा है कि पीरियडिसिटी क्यों आकर होती है सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन की वजह से होती ठीक है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन होता है जिसकी वजह से वो क्या करता है सिमिलर शो करता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इन एटम चेंज इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन की बात कर रहा है एक पीरियड में किस तरह से चेंज होगा टली बात कर रहा है लेफ्ट से लेके राइट right की तरफ तो हमें पता है कि इस साइड में क्या होता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है क्या करता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है और नंबर ऑफ शेल कैसे होते हैं नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम किसी एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल क्या रहते हैं हमेशा सेम रहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन इन एटम चेंजेस इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इंक्रीज होगा है ना नंबर ऑफ शेल रिमेन द सेम इन अ गिवन पीरियड इट मींस जैसे थर्ड पीरियड है तो नंबर ऑफ शेल रिमेन क्या रहेंगे थ्री ही रहेंगे हर एक के लिए है ना इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड बट एज वी मूव फॉरवर्ड एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस एंड वन इलेक्ट्रॉन इन शेल इंक्रीजेस एट एवरी स्टेप यानी कि अगर थर्ड पीरियड की बात कही है तो ये एक हो गया फिर ये दूसरा फिर ये तीसरा और ये फिर एक और बना देता हूं ठीक है तो अगर इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में दो होगा इसके सॉरी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होता है सेम पीरियड है तो सेम पीरियड में वेल नंबर ऑफ शेल तो चेंज नहीं होंगे लेकिन क्या होगा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट चलो आगे देखते हैं इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम तो अगर एक ग्रुप की बात करें टॉप टू बॉटम तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आपको देखने को मिलता है सॉरी सेम नहीं सिमिलर ठीक है जैसे अभी बताया था टू कॉमा वन टू कॉमा एट कामा वन टू कॉमा एट कामा एट कॉमा वन इस तरीके से तो इन ग्रुप बस होता क्या है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते चले जाते हैं क्या होता है नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं ठीक है इन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम एट एवरी स्टेप

अल्कालाइन अर्थ मेटल यानी ग्रुप टू की बात कर रहा है तो मैग्नीशियम और कैल्शियम हो जाएगा आपका ठीक है फिर चलो नेक्स्ट देखते हैं हेलोजन यानी ग्रुप सेवनटीन की बात कर रहा है तो क्लोरीन एंड ब्रोमीन चलो नेक्स्ट देखते हैं इनर्ड गैस यानी कि ग्रुप एटीन की बात कर रहा है जीरो ग्रुप की बात कर रहा है तो हिलियम होगा क्या नियॉन हो गया रेडॉन हो गया जेनॉन हो गया देर आर सो मेनी एलिमेंट्स तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो एलिमेंट तो एग्जाम्पल क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉपर एंड सिल्वर फर्दर इसके अलावा में में से से देखो तो में से दो नाम है, और cerium. चलो इसके अलावा ये सब तो बस नाम है जो आपको याद रखने हैं ये आपको जो पीरियडिक टेबल है उसको एनालाइज करना है अच्छे तरीके से एक्टेनाइट्स और length, क्या होते हैं ये बॉटम में आपको मिलेंगे

नेगेटिव नहीं होती है. वैलेंसी इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैलेंसी डिपेंड तो करती है नंबर ऑफ आउटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल लेकिन यहां पे कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी बोलते हैं किसको बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी को ग्रुप तो वन की भी भी कंबाइनिंग कंबाइनिंग कैपेसिटी कैपेसिटी क्या 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 होती 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 है होती है। होती है है। ग्रुप ग्रुप की वाले क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन एड ऑन करते हैं तो, है, तो इसलिए उनकी वैलेंसी भी कितनी हो गई एंड दे लूज वन इलेक्ट्रॉन टू अचीव स्टेबल कॉन्फिग्रेशन स्टेबल कॉन्फिगरेशन के लिए क्या करेंगे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं हेंस हैव वैलेंसी वन, वेयर एज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 हैव सेम इन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड आर शॉर्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए ऑक्टेट होने के लिए क्या होने के लिए ऑक्टेट होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दे गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड हैव वैलेंसी 1 कितना वैलेंसी हो जाता है इनका वन हो जाता है तो देखो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है वही क्लोरीन क्या कर रहा है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है तो वैलेंसी इसकी भी वन इसकी भी वन ये एक लूज कर रहा है और ये एक गेन कर रहा है मेनली क्या देखना है कंबाइनिंग कैपेसिटी तो कंबाइनिंग कैपेसिटी एक इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग कैपेसिटी एक इलेक्ट्रॉन तो कितना हुआ दोनों की वैलेंसी वन हेंस एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन एंड एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेवनटीन है करेक्ट करना है स्टेटमेंट एलिमेंट इन द सेम पीरियड हैव द सेम वैलेंसी सेम पीरियड नहीं बल्कि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं टॉप टू बॉटम उनकी वैलेंसी सेम होती है ठीक है पीरियड में क्या होता है नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं वैलेंसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ शेल इन एन एटम नंबर ऑफ शेल नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ठीक है और वो भी इन द एटम नहीं इन द वैलेंस शेल वैलेंस शेल के अंदर कितने वैलेंस शेल यानी कि सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड करता है वैलेंसी कॉपर एंड जिंक आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स तो कॉपर और जिंक क्या रिप्रेजेंटेटिव है नहीं रिप्रेजेंटेटिव की बजाय क्या है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं ये चलो फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांजिशन एलिमेंट आर प्लेस्ड एट एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियडिक टेबल तो ट्रांजिशन नहीं noble gases, inert gases को रखा गया है एक्सट्रीम राइट right में बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में इसकी बात कर रहा है इस वाले पोर्शन की तो इसमें कौन है इनल्ट गैसेज है नेक्स्ट वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई पीरियडिसिटी पीरियडिसिटी से क्या आप समझते हैं ठीक है पीरियडिसिटी so से हम समझते हैं कि द प्रॉपर्टीज दैट री अपियर एट रेगुलर इंटरवल कॉल्ड पीरियडिक प्रॉपर्टीज है ना जैसे रोज सुबह होती है हर रोज शाम होती है है ना और उम्र यूं ही तमाम होती है तो उसी तरीके से जो प्रॉपर्टीज हैं किसके एलिमेंट्स के वो रेगुलर इंटरवल पे रिपीट होते हैं तो दैट इज ऑनली कॉल्ड पीरियडिसिटी एंड ठीक है तो वो फिनोमिनन ही क्या कहलाता है पीरियडिसिटी कहलाता है ठीक है तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं जो रिपीट हो रही है उनको पीरियडिक प्रॉपर्टीज कहेंगे और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे पीरियडिसिटी कहेंगे चलो टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं तो देखो एलिमेंट्स जो कि थर्ड पीरियड के हैं जैसे सोडियम हो गया मैग्नीशियम हो गया एल्यूमिनियम हो गया सिलिकॉन है फॉसफोरस है सल्फर है और क्लोरीन है ये सब क्या करते हैं ना ये सब समराइज करते हैं अपने पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी ये ग्रुप है और इस ग्रुप में क्लोरीन लाई कर रहा है तो क्लोरीन क्या कर रहा है पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी को समराइज कर रहा है ऐसे ही सोडियम पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी को समराइज कर रहा है मैग्नीशियम है अल्मोनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस एंड सल्फर इसलिए इनका नाम क्या है इनका नाम है टिपिकल एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं ये समराइज कर रहे हैं प्रॉपर्टी अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप की ऑर्बिट क्या होता है ऑर्बिट वो फिक्स पाथ होता है जिसके ऊपर जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है वो राउंड करता है ठीक है सर्कुलर पाथ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आर कॉल्ड ऑर्बिट और शेल ये क्या है ये जो सर्कुलर पाथ है जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है इसी सर्कुलर पाथ का नाम क्या है केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू कैल्शियम कैल्शियम कितने नंबर पे आता है ट्वेंटी नंबर पे ट्वेंटी नंबर यानी टू कॉमा एट कॉमा एट कॉमा टू तो इसका सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन टू कॉमा एट कॉमा टू और ये ट्वेल्व नंबर पे कौन आ गया मैग्नीशियम आ गया इसके अलावा और कौन होता है बैरियम बैरियम होता है 56 पे। कितने नंबर पे फिफ्टी सिक्स नंबर पे तो टू कॉमा एट कॉमा एटीन कॉमा एटीन कितना हुआ अट्ठारह अट्ठारह छत्तीस और दस फोर्टी सिक्स और फोर्टी सिक्स और एट कितना होगा 46 और 8, 54 होगा 54 और 2 कितना होगा 56. तो यहां पे कैल्शियम मैग्नीशियम और बैरियम ये दो ये तीन के तीनों कैसा दिखाएंगे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक यानी मैग्नीशियम बैरियम कैल्शियम की तरह सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे और क्योंकि इनका क्या है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है टू एलिमेंट आर मैग्नीशियम एंड बैरियम मिकल रिएक्शन सिमिलर टू कैल्शियम एज वेल एज द एलिट्स एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्टल एंड बिलोंग टू द सेम ग्रुप ये सेम ग्रुप को भी बिलोंग करते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेम द मेटल्स इन फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट पहले हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक की बात कर रहा है लिमिटेड है बस वन टू ट्वेंटी तक में सारे मेटल्स के नाम बताने हैं तो लिथियम बैरिलियम सोडियम मैग्नीशियम अलूमिनियम पोटेशियम एंड कैल्शियम ठीक है मेटलॉइड्स के नाम बताने हैं जो कि मेटल नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं तो बोरॉन और सिलिकॉन है फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि नॉन मेटल इन द फर्स्ट ट्वेंटी एलिमेंट नॉन मेटल कौन कौन से हैं नॉन मेटल में कार्बन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन क्लोरीन, है। है क्या ये आर्गन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ऐसा नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या करता है पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है तो ये रखा गया है इसकी वजह से किसके साइड में बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है सबसे टॉप पे लेकिन ये है क्या एक नॉन मेटल है नेक्स्ट हैलोजन है? ग्रुप के हैं तो इनको एक ग्रुप के अंदर रखा गया है ग्रुप 17 के अंदर रखा गया है व्हाट आर दो सिमिलर प्रॉपर्टीज तो इन तीनों के अंदर कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो एक जैसी हैं समान विशेषताएं फ्लोरिन क्लोरिन एंड ब्रोमिन ऑल हैव सेवन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट सबके पास क्या है सेवन इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हेंस ये क्या करेंगे शो करेंगे सिमिलर प्रॉपर्टीज और ये प्रॉपर्टीज कौन सी हैं ये सब के सब नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं क्लोरीन का पता ही है या किसी का भी 2, 8, 7 अगर 7 है तो इसको क्या चाहिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सिर्फ और सिर्फ ऑक्टेट पूरा करने के लिए और कैसा फॉर्म करेगा एनायन फॉर्म करेगा नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा ये सारे ही कलर्ड नॉन मेटल हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एज agent... ये क्या है दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये फॉर्म करते हैं हाइड्राइड किसके साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पे और भी प्रॉपर्टीज हैं इनकी आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब इतने सारे हमने लिखे हैं जो बुक में मेंशन थे तो आप कुछ भी और लिख सकते हो दो तीन पॉइंट भी काफी हैं ये क्या फॉर्म करेंगे एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे ये नॉन मेटल है तो एसिडिक ऑक्साइड मेटल होंगे तो बेसिक ऑक्साइड दे आर वेरी रिएक्टिव एंड आर दे आर फोर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट है ना कितना है सेवन आउटर मोस्ट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेवन इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सिर्फ एक की होती है। ये काफी ज्यादा कैसे करता है इनका वॉल मूविंग डाउन अ ग्रुप दे आर ऑनली स्लाइटली सोलिबल इन वॉटर पानी में बहुत कम सोलबल होते हैं जबकि कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर एल्कोहल के अंदर और क्लोरोफॉर्म के अंदर ये अच्छे से सोलिबल होते हैं वेल सोलिबल है नेक्स्ट well है. है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस ग्रुप और बता दिया था मैंने था, ना, 17. फिर इसके बाद है कि व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लास्ट एलिमेंट इन पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या मेन विशेषता है लास्ट एलिमेंट की लास्ट में बिल्कुल पीरियडिक टेबल के तो व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ सच एलिमेंट लास्ट में कौन होता है एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारा नोबल गैसेस होते हैं जीरो ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं तो लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच पीरियड और एट इलेक्ट्रॉन इन द शेल ये इनकी खासियत होती है और जनरल नेम क्या है इनका जीरो ग्रुप है या फिर क्या कह सकते हो नोबल गैसेस कह सकते हैं इनर्ट गैसेस भी कह सकते हैं टू एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक है क्या डिटरमाइन करता है कि एलिमेंट फर्स्ट में होगा या फिर लास्ट में होगा एक पीरियड के तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे है ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हैं उससे डिसाइड होगा कि कोई भी एलिमेंट पहले होगा किसी पीरियड में या लास्ट में देखो ये रहा एक पीरियड ठीक है अब इधर क्या होता है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के साथ जाते हैं हम लोग लेफ्ट से राइट right की तरफ वही बात कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल डिटरमाइन दैट विच एलिमेंट विल बी द फर्स्ट एंड विच विल बी लास्ट इन अ पीरियड अब इनके वैलेंस वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इनके वैलेंस शेल में सबसे लास्ट सेल में एट इलेक्ट्रॉन है तो देखो इसीलिए एट है तो लास्ट है और एक है तो इसीलिए ये फर्स्ट है तो क्या डिटरमाइन कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर रहा है कि, कि किसी पीरियड के अंदर जो एलिमेंट है वो पहले होगा या लास्ट में होगा हाउ डज द नंबर ऑफ स इलेक्ट्रॉन वेर ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल किसकी बात कर रहा है सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल कौन कौन है इसमें लिथियम आएगा बेरिलियम आएगा बोरॉन आएगा कार्बन आएगा नाइट्रोजन आएगा ऑक्सीजन आएगा फ्लोरिन आएगा और नियॉन आएगा यह रहा आपका सेकेंड पीरियड तो क्या कह रहा है कैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं लेफ्ट से राइट right जाते हुए क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं कितना होता है इसका थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन है ना तो क्या हो रहा है एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है ये उसका लिख दिया है फर्स्ट का तो फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन की तरह जगह पे लिख देंगे लिथियम हैज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम हीलियम नहीं क्या लिखेंगे नियॉन हैज एट इलेक्ट्रॉन्स है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ठीक है तो इस तरह से हो क्या रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल इंक्रीज प्रोग्रेसिवली बाय वन अक्रॉस पीरियड एक के बाद एक कैसे टू कॉमा वन टू कॉमा टू टू कॉमा थ्री टू कॉमा फोर टू कॉमा फाइव और इसका टू कॉमा सिक्स टू कॉमा सेवन और इसका टू कॉमा एट ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन देखो क्या हो रहा है वैलेंस शेल में बढ़ता चला जा रहा है वैलेंसी वेरी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल चलो इसको यहीं देख लेते हैं अभी देखा हमने इसकी वैलेंसी वन इसकी वैलेंसी टू इसकी वैलेंसी थ्री इसकी वैलेंसी फोर इसकी वैलेंसी अगेन थ्री ये गेन करेगा इसकी वैलेंसी सॉरी इसकी वैलेंसी टू इसकी वैलेंसी थ्री इसकी वैलेंसी सॉरी uh, और इसकी वैलेंसी कितनी है है ना तो वैलेंसी क्या हो रही पहले इंक्रीज कर रही है पहले इंक्रीज कर रही है वैलेंसी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीजेस फ्रॉम वन टू फोर एक से चार तक इंक्रीज कर रही है देन फॉल्स टू वन अल्टीमेटली जीरो हो जा रही है कहां पे लास्ट ग्रुप में वैलेंसी यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी एक दो तीन चार फिर तीन दो एक और मैंने बताया था यह हमेशा कैसा रहता है पॉजिटिव रहता है नेगेटिव नहीं होता है ठीक है क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके अकॉर्डिंग बस देखते हैं हम कंबाइनिंग कैपेसिटी तो इसीलिए वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव रहेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड इंक्रीज फ्रॉम वन टू एट इन द सेम आउटर मोस्ट शेल यानी सेकेंड शेल और ये तो मैंने आपको बता ही दिया ठीक है बेरिलियम से लेके लिथियम बैरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन और नियोन का बता दिया मैंने टाइप ऑफ एलिमेंट विच है आपको बताना है कि जो ऐसे एलिमेंट है जिनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है उनको क्या कहेंगे इनर्ड गैसेज नोबल गैसेज या जूरो ग्रुप वाले एलिमेंट कहेंगे हम लोग चलो आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट रहेगी तो वो नॉर्मल एलिमेंट कहलाएंगे या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाएंगे या फिर मेन ग्रुप भी उनको कहा जा सकता है मेन ग्रुप रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉर्मल एलिमेंट जो चाहो कह लो आउटर मोस्ट सेल अगर इनकम्प्लीट है वो भी दो आउटर मोस्ट सेल अगर इनकम्प्लीट है तो इनको क्या कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे चलो इसके अलावा वन इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट कौन है भाई क्लोरीन है ब्रोमीन है ब्रोमीन आयोडीन है ये सब है ना सेवनटीन ग्रुप क्या है हाइलोजन फैमिली हाइलोजन का मतलब क्या होता है सॉल्ट फॉर्मर ठीक है टू इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट अगर दो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो इनको यानी ग्रुप टू की बात हो रही है किसकी ग्रुप टू की बात हो रही है ये कौन से हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल है क्योंकि पहला वाला कौन सा होता है अल्कली मेटल्स होते हैं तो ग्रुप टू वाले कौन से हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं नेक्स्ट एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर तो अगर एन में दो इलेक्ट्रॉन है कलर चेंज करना पड़ेगा एन में कितने हैं दो तो एम में कितने होंगे एट एल में एट और फर्स्ट वाले में दो टू प्लस एट प्लस एट प्लस टू तो कितना हो जाएगा ये टेन टेन ट्वेंटी और इसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा इलेक्ट्रॉनिकेशन तो यही हो गया और इसका atomic number पूछा है. What is its atomic number? तो कर देंगे सारे को और कितना आ जाएगा एटोमिकारे टू कॉमा एट कॉम एट कॉमा टू है position बताना है हमको तो देखो एक शेल दो शेल तीन शेल चार शेल. चार शेल है यानी कि ये फोर्थ पीरियड में लाई करेगा ठीक है और ग्रुप कौन सा है सेकेंड ग्रुप में लाई करेगा ठीक फोर्थ पीरियड सेकेंड ग्रुप इस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम लोग क्या जज करेंगे इज इट मेटल और नॉन कि मेटल अरे भैया टू कॉमा एट कॉमा एट कॉमा टू ये क्या कर रहा है ये लूज कर रहा है लूज कर रहा है तो कौन है मेटल है है ना कैटायन फॉर्म करने वाले मेटल्स स्टेट द नेम असाइन टू दिस ग्रुप कौन से है अलकालाइन अर्थ मेटल ग्रुप है ग्रुप टू वाले एलिमेंट नेक्स्ट है एंसर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट सल्फर लिखा हुआ है सिक्सटीन एटोमिक नंबर मास नंबर थर्टी टू गिव इट्स इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन सिक्सटीन है तो टू पहले शैल में के में फिर एल फिर M तो कितना आएगा टू फिर उसके बाद एट एट टू टेन हो गया तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स सिक्स तो सिक्स आ जाएगा नेक्स्ट में M में To which group and period does it belong? देखो वन और टू के लिए तो नहीं लेकिन वन टू के बाद जो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसमें टेन ऐड करना पड़ेगा आपको ग्रुप के लिए तो कौन सा ग्रुप हो जाएगा ये सिक्सटीन ग्रुप में लाई करता है और टू कॉमा एट कॉमा सिक्स है तो वन टू थ्री तो थर्ड पीरियड में लाई करेगा नंबर ऑफ शेल क्या डिसाइड करता है पीरियड डिसाइड करता है कि किस पीरियड में वो एलिमेंट करेगा इज इट्स वैलेंसी अगर 6 है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो इसको क्या चाहिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी ऑप्टेट होने के लिए होना चाहिए एट ऑलरेडी है छे चाहिए कितना दो मेटल और नॉन मेटल अरे भाई इसने क्या किया अभी दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो जो गेन करेगा वो कौन है नॉन मेटल है चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इज इट अ रिड्यूसिंग एजेंट और अ एजेंट तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये क्या कर रहा है एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट क्या कर रहा है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है इसलिए कैसा है ये ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है गिव इट्स फॉर्मूला फॉर क्लोरीन क्लोरीन के साथ इसका फॉर्मूला देना है ठीक है तो देखो यहाँ पे ये रहा सल्फर ये रहा क्लोरीन क्लोरीन की वैलेंसी वन सल्फर की वैलेंसी टू ये इसके पास और ये इसके पास तो सल्फर और क्लोरीन लिखेंगे तो सल्फर की वैलेंसी किधर चली जाएगी क्लोरीन के पास जो कि वन लिखेंगे और यहां पे सॉरी सल्फर वाली वैलेंसी इधर जाएगी ना हम्म इसकी वैलेंसी कितनी है इसकी वैलेंसी है टू इसकी वैलेंसी है वन ऐसे तो पहले एस लिख लिया सी लिख लिया तो ये जो सल्फर की वैलेंसी है क्लोरीन पे चली जाएगी और क्लोरीन वाली सल्फर पे तो यानी कि कितना होगा सल्फर डाइक्लोराइड, ये हो जाएगा चलो नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट है अगला इंडेक्स क्वेश्चन तो इस वीडियो को ये एंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला इंडेक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल